नागपुर पुलिस प्रशासन ने नए साल में दो नए संकल्प लिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर साथ ही पुलिस कर्मी स्वस्थ रहने के दृष्टिकोण से एबीसी इन थ्री कैटेगरी में बांटा जाएगा। इस संकल्प को लेकर पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय इन्होंने जानकारी दी। पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस साल से पुलिस विभाग द्वारा कर्मचारियों के सेहत का ध्यान भी रखा जाएगा, इसलिए कर्मचारियों को एबीसी इन तीन कैटेगरी में बांटा जाएगा। जो पुलिस कर्मचारी पूरी तरह स्वस्थ है उन्हें एक कैटेगरी में रखा जाएगा। जिन कर्मियों को ब्लड प्रेशर शुगर जैसी समस्या है उन्हें बी कैटेगरी में रखा जाएगा। साथ ही जिन कर्मचारियों को हार्ट संबंधी समस्या है उन्हें सी कैटेगरी में रखा जाएगा। इस अनुसार उन्हें ड्यूटी दी जाएगी, मतलब तबियत से अस्वस्थ कर्मचारियों की कार्यालय में ड्यूटी लगाई जाएगी और जो पूरी तरह ठीक है उनको बाहरी ड्यूटी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कार्यालय में हर महीने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी। या वर्षी 2020 पर्यंत मी दोन संकल्प केलेले नागपूर पोलिसांसाठी, एक महिलांची सुरक्षा आणि दुसरं पोलिसांचे हेल्थ, पोलिसांचे वेलफेअर। आम्ही तीन कॅटेगरीमध्ये पोलिसांचे वर्गीकरण केलेलं आहे। ज्यांना हार्टचे प्रॉब्लेम आहे किंवा इतर सिरियस प्रॉब्लेम आहे त्यांना सी मध्ये, ज्यांना डायबिटीस ब्लड प्रेशर आहे त्यांना बी मध्ये, आणि जे पूर्णपणे हेल्दी आहेत त्यांना ए मध्ये। तर आम्ही त्या लोकांची पूर्णपणे तपासणी करून घेणार आहोत आणि त्यांना ड्युटी देणार, याची काळजी घेणार, त्यांना कौन्सिलिंग सुरू करणार, जेणेकरून हार्ट अटॅक किंवा इतर काही आजार नाही, कोणाचे मृत्यू। पुलिस ने महिला सुरक्षा संबंधित उपक्रम और कई समस्याओं का हल करने के लिए विभिन्न उपक्रम साल 2019 में शुरू किए थे, जिसमें भरोसा सेल, दामिनी पतक, छात्र पुलिस उपक्रम, केयर, कम्युनिटी पुलिस, होम ड्रॉप जैसे कई उपक्रम शामिल है। इन उपक्रमों को इस साल भी और आगे भी शुरू रखा जाएगा। साथ ही कहीं भी कभी भी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले रहने की बात पुलिस आयुक्त ने कही। होम ड्रॉप आहे, त्यानंतर महिला बैठक आहे, सायबर सेलबद्दल जागृती आहे, कॉलेज शाळेत जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करणे आहे। इस दौरान उन्होंने महापौर फायरिंग मामले पर कहा कि इस मामले की जांच अब भी शुरू है, तीन चार दिन में इसका खुलासा हो जाएगा। तपास चालू आहे आणि एक जब ने बरेच माहिती पाहिली आहे, दो चार दिवसांमध्ये जब तक काही काही आम्ही नक्की करू द्या। इसी तरह हमारे शहर की पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो जल्द ही अपराधों में कमी आएगी। हम सभी ने भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पुलिस को सहकार्य करना चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।